नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि IUI क्यों फेल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर मैंने 3 IUI करा लिए, मैंने 4 IUI करा लिए और मेरे IUI फेल हो गए। तो हम भी काफ़ी चिंता में आ जाते हैं कि पेशेंट इस सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस में काफ़ी दुखी भी हो जाता है, डिसहार्टन भी हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट पर विश्वास ही उठ जाता है। तो हमें ऐसे लगता है कि एक तो सबसे पहली बात है कि IUI के 15% 20% से ज़्यादा पर साइकिल चांसेस ऑफ सक्सेस नहीं होते। जो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई होती, उन्हें ऐसे बताया नहीं गया होता, उनकी प्रोसीजर से उम्मीद ज़्यादा होती है, उन्हें ऐसे लगता है कि IUI हो गया तो अब तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। वो डॉक्टर से ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं करते कि हमारे कितने चांसेस हैं, क्या हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, या हमारे जो प्रेगनेंसी होने के क्या संभावना है। जो IUI प्रोसेस है उसमें सिर्फ क्या किया जाता है, उसमें एग बनाया जाता है, ट्यूबें खुली होनी चाहिए, स्पर्म्स जो है वो यूट्रस में रख देने चाहिए। अब जो ये जो प्रोसेस है इसमें डॉक्टर का जो रोल है इन दी सक्सेस रेट वो काफ़ी कम है। सिर्फ डॉक्टर ने स्पर्म तैयार करने हैं, अंडा अच्छे से तैयार करना है, डॉक्टर किसी भी तरह से उसकी क्वालिटी नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है। मीन्स स्पर्म्स जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूट्रस में हायर लेवल पर पहुँच जाएंगे, थोड़ा असिस्ट कर रहा है स्पर्म्स को ऊपर तक पहुँचने में, मगर वो क्वालिटी नहीं चेंज कर रहे, वो ट्यूबों को का कुछ नहीं कर रहे। ट्यूबें अगर खुली हैं तो खुली हैं, बंद हैं तो बंद हैं, ट्यूबें अगर अपना काम कर रही हैं तो कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही तो नहीं कर रही। दूसरा रीज़न होता है इंडिकेशन पे। कई बार लोग IUI सिर्फ इसलिए करा लेते हैं कि अभी हमारे पास IVF जितने तो पैसे नहीं हैं, चलो एक IUI करा के देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास भी जब पेशेंट्स आके ऐसा कहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आपके IUI की कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर इंडिकेटेड केसेस में IUI किया जाए तो उनके काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। अब इंडिकेटेड केसेस क्या हैं? पहला है कि अगर मान लीजिए माइल्ड मेल फैक्टर है, सिवियर मेल फैक्टर में ये काम नहीं करेगा, माइल्ड मेल फैक्टर मीन्स हल्का फुल्का नुक्स है, तो उसमें स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर तैयार करके यूट्रस में रखने में काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए जो हस्बैंड और वाइफ हैं वह पास पास में नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं, और हस्बैंड कभी कभार ही घर पे विजिट करता है, ऐसे केसेस में भी IUI कामयाब होता है। क्योंकि IUI में हम एक पर्टिकुलर दिन पे IUI करते हैं जिससे फर्टाइल डेज मिस होने की संभावना बहुत कम रहती है। तीसरा जो रीज़न है जिसमें IUI इंडिकेटेड है वह है डोनर स्पर्म IUI, जिसमें स्पर्म्स बाहर से लेकर अंदर रखे जाते हैं। और चौथा जो है जिसमें IUI कामयाब हो सकता है वह है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि हस्बैंड वाइफ को रिलेशन बनाने में दिक्कत है, तो उसमें जब हम स्पर्म्स अंदर रखते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव आने की संभावना होती है। फिर भी पर साइकिल जो सक्सेस रेट है वह 15-20% से ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और डॉक्टर की एक्सप्लेनेशन का जो मिसमैच है, इसके कारण IUI के पेशेंट्स में बहुत डिसहार्टनिंग होती है। यानी कि मरीज़ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, उसको लगता है कि ये तो बात बनने ही वाली है, और डॉक्टर की भी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत वो रहती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अगर फेलियर के बारे में पेशेंट को बताएं तो पेशेंट जो है वो प्रोसीजर कराते नहीं है, और उनको ऐसे लगता है इससे बात तो बननी नहीं है, या वो चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर मैच्योर बिहेवियर जिसमें हमें अगर बताया जाए तो हम उसको अच्छे से समझें, और एक प्रॉपर इंडिकेशन में जब IUI किया जाता है तो वह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाता है 1-2-3 साइकिल में। एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए किसी के 3 साइकिल IUI के हो चुके हैं तो हम उसके बाद दोबारा से IUI करना हमें ज़्यादा उसके हक में नहीं रहते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ 3-4 बार अगर काम करने पे नहीं बात बन रही होती है तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज ही करनी चाहिए, हमें अपना प्रोटोकॉल चेंज करना चाहिए, या फिर हमें उसका नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना चाहिए। जो ये कारण करके IUI कराते हैं लोग कि IVF नहीं कराना, IVF के पैसे नहीं है, या घर वाले IVF के लिए नहीं मान रहे और हम इसलिए IUI कराना चाहते हैं, इसमें तो ज़्यादातर बात नहीं बनती है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि IUI एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है। IUI प्रॉपर इंडिकेशंस में करा जाए तभी कामयाब होता है, और IUI में जो अगर सक्सेस नहीं होती है इससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, इससे नेक्स्ट स्टेप पर चलने की आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।